तो गाइस यार भैया लोग मिल चुके हैं। और भैया आप कहाँ से हैं? रुको जरा, सबर करो। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ और आज हम लोग आए हैं सिद्धू कानू पार्क। आप लोग देख सकते हो भाई, इसका चार्ज है 15 रुपया और अगर अपना कैमरा वगैरह लेके आते हो तो भाई 100 रुपये देना पड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट पार्क के अंदर और आप लोगों को मस्त नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो भाई, ये है स्टार्टिंग का व्यू और काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। भैया हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर और हमारे साथ आती भाई हैं। तो अब भाई आप लोग देख ही सकते हो कि लोकेशन काफ़ी मस्त है और इधर इक्की ब्रदर हेलो। और कैसे आप लोग देख सकते हो भाई, ये है बच्चों के लिए थोड़ा घूमने वगैरह के लिए और भाई लोकेशन काफ़ी तगड़ा है। तो चलो हम लोग चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं। सबसे पहले पार्क में आपको आने के बाद दिखेगा ये स्टैचू जो किनका बना हुआ है मुझे खुद पता नहीं है। और आप लोग देख सकते हो भाई काफी अच्छे तरीके से डिजाइनिंग वगैरह की गई है यहाँ पर, मतलब ना ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे भाई। बीच में पानी बना हुआ है 360 में और इधर गमला में रखकर मतलब फूल वगैरह लगाया, काफी अच्छा लग रहा है। और भाई स्टैचू देख सकते हो इधर से, काफी मस्त लग रहा है। तो हेलो 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 जीतू भाई, यहाँ पर जितने भी चार चीज़ थे मैंने सभी को एक्सप्लोर कर दिया और अब हम लोग चलते हैं भाई आगे और वहाँ पर किसी का स्टैचू बना गया है। तो नज़दीक चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं भाई किनका स्टैचू बना हुआ है। और गाइस यार आप लोग अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टा पर मुझसे बात करना है तो सैयद रेहान 16 सर्च करो और भाई फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पर भी। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग आ चुके हैं सिद्धू कानू के स्टैचू के पास और आप लोग देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छा लोकेशन है। इधर भी मतलब छोटा सा तालाब टाइप से बनाया गया और उसमें ये स्टैचू बनाया गया है और आप लोग देख ही सकते हो भाई, इधर से आप लोग जा सकते हो वहाँ पर और वहाँ जाके अपने अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। तो बाकी चल दो हम लोग भी चलते हैं। तो आप लोग भाई ये स्टैचू नज़दीक से देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई ये जो ना ये पानी के एकदम बीच में बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं भाई कुछ नया चीज़ जो देखने में आप लोगों को अच्छा लगे। गाइस आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ बनाया गया है पत्थर के जोड़ जोड़ कर और भाई ये हमें लगता है भाई उस तरफ जाने का मतलब क्रॉस करने का बनाया गया है और ये काफ़ी यूनिक लग रहा है। और इस तरफ से जाकर पानी भाई वहाँ पर नीचे मतलब जुटता है और अभी हम लोग चलते हैं भाई उस तरफ से आके। तो गाइस यार भैया लोग मिल चुके हैं और भैया आप कहाँ से हैं? भैया को खुद नहीं पता है भैया कहाँ से हैं। बिहार से हैं भाई। भैया भैया बिहार से, क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल और आपका भैया? हम यूपी से। क्या नाम है आपका? विकास। विकास। तो भैया ने भाई काफ़ी हेल्प किया, अभी एक्टर शॉट आप जो देखे पीछे भाई वो निकालने में काफ़ी मदद किए। तो गाइस आप लोग इधर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ना मतलब झारखंड के लोग किस तरीके से पहले अपना जीवन को गुजारते थे वही चीज़ दिखलाया गया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा तरीके से मतलब पेंटिंग के थ्रू दिखलाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख ही सकते हो भाई इधर झूमर वगैरह लोग खेल रहे हैं, देखो ये पिक्चर में ना झूमर खेलते हुए मतलब यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया। और यहाँ पर देखो ये है अंग्रेज लोग और ये भाई अपने झारखंड के लोग उनको मार रहे हैं। ये क्लिप देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई इतनी सारे बंदा लड़ाई लड़ने के बाद इसके बाद तो भाई हम लोग का मतलब जो देश है वो आज़ाद हुआ था। और गाइस अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस उधर से भी हम लोग आ चुके हैं इधर और अभी मैं चल रहा हूँ रेलवे पटरी मतलब पटरी पर चल रहा हूँ मैं अभी और इधर दो रेल लगे हुए हैं तो भाई चलते हैं उधर ही। इधर आइए, इधर
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं क्या चीज बनाया गया, आपने से तो भाई समझ के बाहर है, तो भैया बताएंगे क्या चीज भैया यहाँ पर। अभी हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला है, इसे मॉडल लेकर रखा है कि हाइड्रो मॉडल है। तो आप लोग देख ही सकते हो भाई काफी अच्छा तरीका से बनाया गया है, काफी यूनिक लग रहा है, एकदम लग रहा है भाई नेचुरल पहले से बना हुआ है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं भाई आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है हम लोगों को। और आप लोग तो भाई देख ही सकते हो, मतलब क्या क्या यार क्या बताया जाए, क्या हम लोग बोले, कुछ कहना चाहेगा इस पार्क के बारे में? हाँ बस छतरी लेकर आ जाओ, बात तो सही है। कभी बारिश हो सकती है कभी कभी भाई, रांची का मौसम का मतलब कुछ ठिकाना नहीं है, बारिश कभी भी बारिश हो सकती है, पठार कभी बारिश हो जाए, हाँ कभी बारिश हो सकता है। तो गाइस आप लोग देख सकते ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये जो रेलवे ट्रैक है ना, ये जाएगी आपको रांची रेलवे स्टेशन। ये सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो भाई ये जो मतलब बनाया गया ना भाई, ये काफी मस्त लग रहा है, दिख रहे हो कितनी ज्यादा सोलर वगैरह लगाया गया है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बनाया गया है यहाँ पर छोटा सा तालाब। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई तालाब में ना ये डुप्लीकेट वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, बत्तख, ये डुप्लीकेट वाला बत्तख बनाया गया है, पर जो भी है भाई सही है, अब ओरिजिनल कहाँ देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ से जा सकते हैं छोटे से तालाब में, पर हम लोगों को भाई तालाब में जाना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दो दिन से लगातार बारिश हो रहा है। आप लोग इधर देख सकते हो, ये पता नहीं भाई ये चढ़ने उतरने के लिए बनाया गया है, मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो बाकी हम लोग वो करते ही नहीं है। और आप लोग देख ही सकते हो भाई अच्छा लोकेशन है, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, एकदम मस्त लोकेशन है, करता करता एकदम। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। और भाई इस पार्क का मतलब जितना भी तारीफ किया जाना वो कम है, ये हमें लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से इस पार्क का नाम क्या होना चाहिए? कानून तो बहुत अच्छे लोग थे यार, उनके नाम पर तो नहीं होना चाहिए, किसी और का नाम होना चाहिए था। नहीं नहीं, इस पार्क का नाम प्रेम पार्क होना चाहिए, इसलिए तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रोज गार्डन में, जो छाता मिल गया, बस छाता मिल गया है अभी, ओढ़ के उसको ही बैठेंगे हम लोग आराम से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है रोज गार्डन, काउंट कर जितने रोज टूटे होंगे उतने रोज लोग होंगे, हाँ जितने रोज टूटे हैं उतने लोग होंगे यहाँ पर, बात सही है। और बाकी तो गाइस वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर एक ना कलश बिठाया गया है, जो मतलब बनाया गया है काफ़ी अलग टाइप का बनाया गया है, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। और इधर है भाई रोज गार्डन,